अपने ही घर में मैं कैदी की तरह रहूंगी? कैदी तो तुम हो, और तुम्हें क्या आज पता चला है? के लोगों को इकट्ठा कर लोगी तो कर लो, हमारा तो काम हो जाएगा ना। क्योंकि तेरे पागल होने के मेरे लाल मेरी शहजादी कागजात तो दानिश ने पहले से बनाए हुए हैं, और उस पे मोहर लगाएगा तेरा ये चीखना चिल्ला तेरा पागल, और हम सबको बता देंगे कि रानिया बाप के सदमे से पागल हो। कहाँ गए ब्रत आजकल? कहाँ आवारा गर्दियाँ चल रही हैं? आपके काम से क्या हुआ था? मेरा कौन सा काम? प्रॉपर्टी के पेपर्स बनवा रहा हूँ, बहुत जल्दी है सब कुछ हमारे नाम होगा। ना तेरा शुक्र, तुम्हारा भी कुछ दिमाग चला। अब लगा ना मुझे कि मेरे बेटे हो। सना से आपको फुर्सत मिले तो और किसी को टाइम देगी ना? बहन तेरी, दिल साफ कर उसकी तरफ से अपना पागल। दिल तो क्या है, मेरे तो दिमाग में भी उसकी सोच नहीं आती है। जब से उसने मेरी बात नहीं मानी ना, जो मर्जी आए वो करे, कि मेरी बला से तो भाड़ में जाए, दी बर्बाद होगी। चल पढ़ाए यहाँ से फन्ने खान बदफाले निकाल रहा है बहन के लिए मुंह से, जाकर अपनी बीवी को काबू कर। बाहर जाने के पर तोड़ रही थी, इतनी मुश्किल से मैंने अंदर कमरे में बंद किया उसे। कहाँ जा रही है? मुझे क्या पता बुद्धू कहाँ जाएगी वो, या तो पुलिस में हमारी कोई रपट लिखवाने जा रही होगी, या फिर अपने होतों सोतों से बुराइयां करने के लिए। मैंने तो भैया कमरे में बंद कर दिया उसको। तुम जाकर देख लेती क्या कर रही है? हाँ मैं देख लेती, ताकि दोनों माँ बेटियां मिलकर मुझ पर हमला कर देती। दिमाग खराब है मेरा? जाके खुद ही देख, महारानी बनकर जब देखो बैठी रहती है, और हम बेचारे हम घर के काम काज के लिए रह गए, सारे नौकर भी फारिग कर दिए घर के। मुलाजिम इसलिए फारिग कर दिए कि इस घर के राज ऐसी घर में रह जाए, उस घर तक ना पहुंचे। फिक्र मत कर, जाकर बात करता हूँ, आज से सारे काम वो ही करेगी। अच्छा सुन, वो साजिदा की नींद वाली दवाई वो ले आए कि नहीं? वो दवा बहुत जरूरी है। अगर ये दोनों माँ बेटियाँ हवास में हुई ना, ऐसी तबाहकारियां मचाएंगी जिसकी कोई हद नहीं। ये तो नींद की दवा की वजह से वो टन पड़ी रहती है, तो रानिया भी काबू में है, नहीं तो अब तक हमें चलता बाहर कर चुकी होती है। निकल गया बत्थू, एक भूलने की बात थी, कितना जरूरी है उसका सोते रहना, भूल गया। थोड़ी देर में जाकर ला, शुगर करने मेरा दोस्त था जो ऐसे वक्त में काम आ गया। चाबियां देने का एहसान करें तो अंदर भी देख। देख के अटैक ही ना करते। क्या कमरा बंद करके बैठी हुई हो? खिचड़ी पका रही हो तुम? मेरी अम्मा के साथ मिलकर क्या खिचड़ी पकाएंगे हम? हर वक्त तो सोई रहती है, ना उठती है ना बात करती है। गर्ड आराम कर लेने दो, हाथ पे हाथ रखे यहाँ क्यों बैठी रहती हो? जाओ किचन में जाकर करके काम किया करो। मेरी अम्मा मुलाजमा नहीं है जो तुम्हारे काम करती ना दिन रात। उम्र देखी ना उनकी, तो बुद्धि हो गया लगा। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सुना है ना तुमने, एक चुप सौ सुख।
चुप रहना सी और मेरा कहना मान, फायदे में रहो। जब मम्मा के बारे में बात करनी है, मैं चाहती हूँ उन्हें किसी और डॉक्टर को चेक करवाएं। वो ठीक नहीं है, कुछ मसला हो रहा है उन्हें। हर वक्त कैसे सोई रह सकती है?